कहानी सुनाएंगे जिसने हजारों मुसीबतों का सामना करते हुए कामयाबी की दास्तां लिख डाली। आज की हमारी कहानी दलित पिछड़े समाज की एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे जन्म से ही अनेकों कठिनाइयों से जूझना पड़ा और समाज की उपेक्षा सहनी पड़ी। और तो और बाल विवाह का आघात भी झेलना पड़ा और ससुराल वालों का अत्याचार भी सहना पड़ा। और इस सबसे तंग आकर उसने एक समय खुद को खत्म करने के लिए जहर तक पी लिया। लेकिन आज वही कल्पना सरोज 500 करोड़ के बिजनेस की मालकिन है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कल्पना सरोज के जीवन की बेहद इंस्पायरिंग कहानी के बारे में जो आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। दोस्तों कल्पना का जन्म अकोला जिले के छोटे से गांव रूपरखेड़ा के गरीब दलित परिवार में हुआ। कल्पना के पिता एक पुलिस हवलदार थे और उनका वेतन मात्र 300 रुपये था, जिसमें कल्पना के 2 भाई 3 बहन दादा दादी तथा चाचा जी के पूरे परिवार का खर्च चलता था। पुलिस हवलदार होने के नाते उनका पूरा परिवार पुलिस क्वार्टर में रहता था। कल्पना पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी और वे पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर दलित होने के कारण यहाँ भी उन्हें शिक्षकों और सहपाठियों की उपेक्षा झेलनी पड़ती थी। कल्पना जिस समाज में रहती थी वहाँ लड़कियों को बोझ समझा जाता था, इसीलिए वहाँ लड़कियों की शादी जल्दी करके अपना बोझ कम करने का चलन था। जब कल्पना जी 12 साल की हुई और 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी समाज के दबाव में आकर उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और उनसे उम्र में काफी बड़े एक लड़के से उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद वो मुंबई चली गईं जहां यातनाएं पहले से उनका इंतजार कर रही थी। कल्पना जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे ससुराल वाले मुझे खाना नहीं देते थे, बाल पकड़कर बेरहमी से मारते, वो लोग मेरे साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते थे। कभी खाने में नमक को लेकर मार पड़ती तो कभी कपड़े साफ ना धुलने पर मेरी धुनाई कर दी जाती थी। ये सब सहते सहते कल्पना जी की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि जब 6 महीने बाद उनके पिता उनसे मिलने आए तो उनकी दशा देखकर उन्हें गांव वापस लेकर चले गए। कल्पना जी ने बताया कि हमारे समाज में जब शादीशुदा लड़की मायके आ जाती है तो समाज के लोग उसे अलग ही नज़र से देखते हैं, आस पड़ोस के लोग ताने कसते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। कल्पना के पिता ने उन्हें दोबारा पढ़ाने की भी कोशिश की पर इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा दुख देख चुकी एक डरी सहमी बच्ची का पढ़ाई में कहां मन लगने वाला था। हर तरफ से मायूस कल्पना को लगा कि जीना मुश्किल है और मरना आसान है। उन्होंने कहीं से खटमल मारने वाले जहर की 3 बोतलें खरीदी और चुपके से उसे लेकर अपनी बुआ के यहाँ चली गई। कल्पना की बुआ जब चाय बना रही थी तभी कल्पना ने 3 जहर की बोतलें एक साथ पी ली। बुआ चाय लेकर कमरे में घुसी तो देखा कल्पना के मुंह से झाग निकल रहा है। अफरा तफरी में डॉक्टरों की मदद ली गई, बचना मुश्किल था पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए कल्पना की जान बच गई। यहीं से कल्पना जी का जीवन बदल गया। उन्हें लगा कि जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया है तो बिना कुछ किए मरने से अच्छा है कि कुछ करके जिया जाए। इस घटना के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की पर उनकी छोटी उम्र और कम शिक्षा की वजह से कोई भी काम न मिल सका, इसलिए उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। दोस्तों महज 16 साल की उम्र में कल्पना जी अपने चाचा जी के पास मुंबई आ गई। वो सिलाई का काम जानती थी इसलिए चाचा जी उन्हें एक कपड़े की मिल में काम दिलाने ले गए। उस दिन को याद करके कल्पना जी बताती हैं, मैं मशीन चलाना अच्छे से जानती थी पर ना जाने क्यों उस दिन मुझसे मशीन चली ही नहीं, इसलिए मुझे धागे काटने का काम दे दिया गया जिसके लिए मुझे रोज के 2 रुपए मिलते थे। कल्पना जी ने कुछ दिनों तक धागे काटने का काम किया पर जल्द ही उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और मशीन भी चलाने लगी जिसके लिए उन्हें महीने के 225 रुपये मिलने लगे। इसी बीच किन्हीं कारणों से कल्पना के पिता की नौकरी छूट गई और उनका पूरा परिवार भी मुंबई आकर रहने लगा। पूरे परिवार का खर्च चलाने के लिए कल्पना ने अपने छोटे से घर में ही कुछ सिलाई मशीनें लगा लीं और रोजाना 16 घंटे काम करने लगी। उनकी कड़ी मेहनत करने की ये आदत आज भी बरकरार है। सिलाई के काम से जो पैसे आ जाते थे पर ये उनका खर्च निकालने में काफी नहीं थे, इसलिए कल्पना ने बिजनेस करने का सोचा। पर बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे इसलिए वे सरकार से लोन लेने का प्रयास करने लगी। उनके इलाके में एक आदमी था जो लोन दिलाने का काम करता था। कल्पना जी रोज सुबह 6 बजे उसके घर के सामने जाकर बैठ जाती थी। कई दिन बीत गए पर कल्पना की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, पर 1 महीने बाद भी जब कल्पना जी ने उसके घर के चक्कर लगाने नहीं छोड़े तो मजबूरन उसे बात करनी पड़ी। उसी आदमी से पता चला कि अगर 50,000 का लोन चाहिए तो उसमें से 10,000 इधर उधर खिलाने पड़ेंगे। कल्पना जी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी और इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जो लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था और लोन दिलाने में मदद करता था। धीरे धीरे ये संगठन काफी पॉपुलर हो गया और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के कारण कल्पना जी की पहचान भी कई बड़े लोगों से हो गई। संगठन चलाने के साथ कल्पना 50,000 का लोन लेकर अपना बिजनेस भी करने लगी। इसी बीच कमानी ट्यूब नाम की एक कंपनी विवाद होने के कारण बंद हो गई।
बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया और कोर्ट के फैसले में कंपनी का मालिकाना हक कंपनी में काम कर रहे मजदूरों को दे दिया गया। मजदूर इसे ठीक से चला नहीं पाए और कंपनी पर करोड़ों का कर्ज आता चला गया। इस स्थिति से निकलने के लिए कमानी ट्यूब्स कंपनी के मजदूर कल्पना जी के पास गए। उन्होंने सुन रखा था कि कल्पना सरोज अगर मिट्टी को हाथ लगा दे तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। कल्पना ने जब सुना कि कंपनी 116 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है और उस पर 140 लिटिगेशन के मामले भी हैं, तो कल्पना ने उसमें हाथ डालने से मना कर दिया। पर जब उन्हें बताया गया कि इस कंपनी पर 3,500 मजदूरों और उनके परिवारों का भविष्य निर्भर करता है और बहुत से मजदूर भूख से मर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, तो वो अपनी गरीबी के दिन याद करके कंपनी के साथ काम करने को तैयार हो गई। कंपनी में आते ही कल्पना ने सबसे पहले 10 लोगों की टीम बनाई जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोग शामिल किए। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कराई कि किसका कितना पैसा बकाया है। इस प्रक्रिया में उन्हें पता चला कि कंपनी पर जो उधार था उसमें आधे से ज्यादा का कर्जा पेनल्टी और इंटरेस्ट था। कल्पना जी तत्कालीन वित्त मंत्री से मिली और बताया कि कमानी इंडस्ट्रीज के पास कुछ है ही नहीं, अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ करा देते हैं तो हम क्रेडिटर्स का मूलधन लौटा सकते हैं, और अगर ऐसा न हुआ तो कोर्ट कंपनी का लिक्विडेशन करने ही वाला है, और ऐसा हुआ तो बकायेदारों को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने बैंकों को कल्पना जी के साथ मीटिंग करने के निर्देश दिए। वे कल्पना जी की बात से काफी प्रभावित हुए और पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ कर दिया। इसके बाद कल्पना जी को कोर्ट ने कमानी कंपनी का मालिक बना दिया और कोर्ट ने कल्पना जी को 7 साल में बैंक के लोन चुकाने के निर्देश दिए, जो उन्होंने 1 साल में ही चुका दिए। कोर्ट ने उन्हें वर्कर्स के बकाया वेजेस भी 3 साल में देने को कहे, जो उन्होंने 3 महीने में ही चुका दिए। इसके बाद उन्होंने कंपनी को मॉडर्नाइज करना शुरू किया और धीरे धीरे एक घाटे में चल रही कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। दोस्तों, ये कल्पना सरोज की मेहनत और बुलंद हौसले का ही कमाल है कि आज कमानी ट्यूब्स 500 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आगे हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी को जरूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।